नमस्कार, मैं हूं कोमल बड़ोदेकर और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज़ हिंदी। सुप्रीम कोर्ट के SC ST एक्ट के फैसले के बाद में देश भर के तमाम दलित संगठनों में गुस्सा है। फैसले के इतने दिनों बाद ताज़ा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अब जल्दी ही रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। इस मामले में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, बोलिए। सर, सुप्रीम कोर्ट के SC ST एक्ट के फैसले के बाद में अब आपको क्या कहना है, और एक तो ये भी है कि क्या आपको लगता है कि ये जो बदलाव है ये जायज़ थे? नहीं, मुझे लगता है कि भाई SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो कानून है, ये संसद में कम से कम कई घंटों तक चर्चा होने के बाद ये मंजूर हुआ था। और दलितों की अगर सुरक्षा करनी है तो ये कानून थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। इसीलिए मतलब एट्रोसिटी एक्ट 1989 बना, नॉन कॉग्निजेबल ये मतलब एक्ट है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उसमें जो डायरेक्शन दिया है वो तो जजमेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो महाजन नाम के रीट पिटिशनर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने मतलब उनके ऊपर जो एट्रोसिटी एक्ट लगाया था उसके संबंध में उन्होंने केस दायर की थी, वो मुंबई हाईकोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था उसके बाद, या उसके विरोध में जजमेंट दे दिया था, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जो बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस के संबंध में उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया था। तो पूरे देश भर में दलितों में रोज भी था कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, लेकिन ये जजमेंट या ये डायरेक्शन से कोई सरकार का कोई संबंध नहीं था। सरकार ने अपनी केस प्लीड अच्छी तरह की थी, लेकिन दो जजेस के बेंच ने मतलब इसको इस कानून के संबंध में जो निर्णय दे दिया था। तो अभी हम कल प्रधानमंत्री जी को मिले थे, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिव्यू पिटीशन करना चाहिए, ये मांग हम सब लोगों की थी। रामविलास पासवान जी हो, थवरचंद गहलोत जी हो, मैं हूँ, हम सब लोग मतलब इसी तरह की मांग कर रहे थे। और कल प्रधानमंत्री जी से बातचीत के बाद उन्होंने बोला था कि लॉ डिपार्टमेंट इसका स्टडी कर रहा है, और अभी लॉ डिपार्टमेंट ने रिव्यू पिटीशन के लिए परमिशन दे दिया है, और अभी मंडे को रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। और इस कानून कितना मजबूत कानून है, इस कानून को डाइवर्ट करना अच्छी बात नहीं है, ये दलित पर अन्याय बढ़ाने वाली बात होगी, इसीलिए सरकार की तरफ से अपनी बाजू सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। उसके साथ साथ मंडे को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से भी हम एक रीट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, और रिपब्लिकन पार्टी भी अपनी भूमिका वहाँ रखेगी, और मतलब दलितों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है इसीलिए एट्रोसिटी बढ़ रही है। अगर एट्रोसिटी नहीं करेंगे तो एट्रोसिटी एक्ट का सवाल आता नहीं है। इसीलिए दलितों के साथ संबंध अच्छे रखो, दलितों के साथ मित्रता का करो, दलितों को न्याय देने का काम करो, यही इस कानून की भावना थी और है। सर, एक और तो प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को दलितों का हिमायती बता रहे, जैसे उना एक्ट के बाद में उनका एक स्पीच आया था कि दलितों को मत मारो, आप मुझसे बात करो, मुझको मारो। तो लेकिन सर, अब जो है केंद्र सरकार इतने दिनों के बाद में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि दलितों के साथ एक सरकार का दोहरा रवैया है? नहीं, इतने दिन क्या, अभी 5-6 दिन हो गए, सरकार को तो मतलब कानूनी तौर पर देखना भी चाहिए। एकदम ये जजमेंट आ गया और 1 घंटे में रिव्यू पिटीशन का, ऐसा होता नहीं है। मतलब 5-6 दिन के अंदर ही मतलब रिव्यू पिटीशन का निर्णय हो चुका है, और नरेंद्र मोदी जी खुद को दलितों के मसीहा बोलते, बात सही है। उन्होंने बोला था जब ऊना में, गुजरात में जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो उनकी पिटाई हुई थी गोरक्षकों के माध्यम से, तो तब मोदी जी ने बोला था कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो मुझे गोली मारो, लेकिन दलितों के ऊपर अत्याचार मत करो। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दलितों के लिए जितना काम हो रहा है उतना इसके पहले तो नहीं हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि पिटीशन को देर हुई ऐसा मुझे लगता नहीं है। सर, एक सवाल यह है कि आज योगी सरकार ने फैसला दिया है कि बाबा साहेब के नाम के साथ में रामजी जोड़ा जाएगा, हालांकि उनका नाम संविधान में रामजी ही है पूरा नाम जो, तो सर क्या सरकार जो है मतलब उनके साथ जो एक दलित वर्ग जो उनसे जो छिटकता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या राम के नाम से वो उनको अपने वर्ग में या अपने साथ शामिल करना चाहती है? नहीं, मुझे लगता है कि भाई भगवान राम का और रामजी का कोई संबंध नहीं है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी था, वो सूबेदार थे आर्मी में, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तभी उन्होंने उसमें
डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ऐसा ही लिखा है, वो सिग्नेचर करते थे, वो ऐसी सिग्नेचर करते थे। और हमारे महाराष्ट्र में परंपरा है कि पहले नाम के बाद पिताजी का नाम जोड़ते हैं, बाद में सरनेम होता है। तो मुझे लगता है कि भाई ये निर्णय कोई दलित विरोधी नहीं है, ये निर्णय कोई भगवान राम से कोई संबंधित है ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी था। तो खाली उत्तर प्रदेश के कागज पत्रों में मतलब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ये नाम आएगा, उसमें कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें कोई हर आदमी पर कोई बंधन डाला ऐसा भी नहीं है। और ये खाली यूपी तक सीमित रहेगा, अभी हम भी जब बोलते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर बोलते हैं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। तो इसका मतलब पूरे भारतवर्ष में कोई इसका इफेक्ट की बात है ही नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाई सब लोगों ने समझने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने भी इसकी राजनीति करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले महामहिम गवर्नर जो हमारे राम नानाई जी है, उन्होंने महाराष्ट्र की परंपरा इसीलिए शायद उन्होंने लिखा था, और आदित्यनाथ योगी सरकार ने वो निर्णय ले लिया कि अगर गवर्नर साहब की अगर मांग है तो उसमें रामजी शब्द खाली उसमें अंदर डालने का है, उसमें कोई फेरफार करने की आवश्यकता नहीं है, या बाबा साहब के नाम का अपमान करने की कोई उसमें साजिश बिल्कुल नहीं है। उसमें बाबा साहब के पिताजी का नाम जोड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी ने उनको बड़ा बनाने के लिए बहुत बड़ा कष्ट उठाया था, इसीलिए अगर उसके उसमें पिताजी का नाम आता है तो उसको भगवान राम से जोड़ने की जो साजिश है ये बहुत बड़ी गलत है। और जो भी निर्णय मतलब योगी सरकार ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये निर्णय कोई देश भर में लागू होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा मुझे लगता है। सर एक सवाल और कि अगर आपको लगता है कि सरकार जो है वो दलितों की हिमायती बन रही है, तो सर अभी भी जो है भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर सर, वो अब भी जेल में हैं। हाँ तो मुझे लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मतलब उनकी रिहाई होनी चाहिए, वो अभी बहुत दिन से अंदर है। जब सारंगपुर में जब मतलब जो घटना घटी थी उसके बाद उनको अरेस्ट कर दिया था, तो अभी तक तो उनको बेल मिलने की आवश्यकता थी, उनके वकीलों ने मुझे लगता है कि भाई कोर्ट में उसकी जो अगुवाई वो करने की आवश्यकता है। और मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं बात करने वाला हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के लीडर है वो बहुत दिन से अंदर है, तो उनको ज़्यादा अंदर रखना अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा और उनकी जल्दी जल्दी रिहाई कैसे हो सकती है उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा। सर एक आखिरी सवाल, सर कई दलित संगठन जो है वो 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया उन्होंने, तो सर क्या आप भी उसमें शामिल होंगे? नहीं क्या मुझे मालूम नहीं है कौन से संगठन ने भारत बंद का फैसले के खिलाफ भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी वो तो रिव्यू पिटीशन का निर्णय सरकार की तरफ जो हो गया है, और मुझे लगता नहीं मुझे मालूम नहीं कि इसने भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन अगर भारत बंद का अगर इसके निषेध में या कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके निषेध में अगर किसी ने अनाउंस किया होगा तो उसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भारत बंद की कोई आवश्यकता तो नहीं है, ये कोई बड़ा इशू है ही है। लेकिन अभी सरकार के तरफ से भी कोशिश हो रही है, हमारी पार्टी भी रिव्यू पिटीशन नरार रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भारत बंद की कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अपना आंदोलन करके अगर आनंद किया होगा तो उनका निर्णय है, वो हमारी पार्टी का निर्णय नहीं है, और हम कोई इसका विरोध नहीं करते हैं। उनके हर एक आदमी को आंदोलन करने का अधिकार है, लोकतंत्र में शांति से आंदोलन करने का अधिकार है, और अगर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो भारत बंद करे, उसको रिपब्लिकन पार्टी विरोध नहीं करती है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, कैमरा पर्सन योगेश के साथ कोमल बड़ोदेकर, नई दिल्ली।